नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:35 तक रहेगी, उसके बाद नौवीं तिथि लग जाएगी। आज अष्टमी श्राद्ध है, इसलिए जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ हो उनका श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा। आज कालाष्टमी है, साथ ही आज जीवित पुत्र का व्रत भी है। आज महालक्ष्मी व्रत का समापन है, साथ ही आज शाम 6:36 तक वज्र योग रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 1:39 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 सितंबर की सूर्योदय से दोपहर 1:33 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। आज ये योग 13 सितंबर की शाम 4:34 से पूरी रात पार करके 14 सितंबर की दोपहर बाद 3:52 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 8:39 तक और सुबह 10:57 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:47 तक और दोपहर पहले 11:05 से 11:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:47 तक और दोपहर पहले 11:05 से शाम 4:19 तक रहेगा। आज ये सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। आज कोई जॉब ज्वाइन करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 सितंबर की दोपहर 12:51 से शाम 4:46 तक और शाम 6:13 से रात 11:09 तक रहेगा। आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। आज ये अशुभ समय कल यानी कि 11 सितंबर को सुबह 5:27 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:51 से दोपहर बाद 3:25 तक। मुंबई दोपहर 2:08 से दोपहर बाद 3:40 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:53 से दोपहर बाद 3:27 तक। लखनऊ दोपहर 1:36 से दोपहर बाद 3:10 तक
भोपाल दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:23 तक, कोलकाता दोपहर 1:06 से दोपहर बाद 2:39 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:09 से दोपहर बाद 3:42 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:37 से दोपहर बाद 3:09 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर उलझन बनी रहेगी। काम अधिक होने से आज थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक रहेगा। बिल्डर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। किसी नए प्रोजेक्ट से आपको अधिक फायदा होगा, जिसका फायदा आपको भविष्य में मिले। लवमेट के साथ समय बिताने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज काम के प्रति आपकी एकाग्रता बढ़ी रहेगी। जिस जरूरी काम को प्री प्लानिंग करके करेंगे तो काम आसानी से पूरा हो जाएगा। परिवार में आज किसी सदस्य से आपकी अनबन हो सकती है, बेहतर होगा कि आज आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। इस राशि के अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मनोरंजन करते समय कोई काम अधूरा रह सकता है। जीवन साथी के साथ आज अच्छा डिनर एंजॉय करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अध्यात्म में लगा रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य में जाएंगे, इससे पारिवारिक क्लेश कम होगा। आज शांत मन से किसी काम को करेंगे तो जल्द ही पूरे आपके काम जल्द ही पूरे हो जाएंगे। पारिवारिक निर्णय लेने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग की राय जरूर लीजिए। बिजनेसमैन को नया काम स्टार्ट करने के लिए आज का दिन शुभ है, जो आने वाले समय में आपका अधिक फायदा कराएगा। आज आप जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव तरीका अपनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। अगली राशि पर जाने के पहले आपको याद दिला दूं कि आपसे थोड़ी ही देर बाद हम आपको बताएंगे कि क्या पुलिस पहुंच चुकी है सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे तक। जल्दी ही फिलहाल चर्चा करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आज आप प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। पुराना किया हुआ कोई काम आज आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगा। आज सकारात्मक सोच रखेंगे तो आनंद से दिन बिता सकेंगे। आज हर कोशिश में आपको सफलता मिल सकती है। कुछ फैसले ठीक रहेंगे। आज आपकी तारीफ हो सकती है। अधिकारियों से समय पर मदद मिलेगी। आज आपके बिजनेस में तरक्की होगी। ऑफिस में वो काम आपको आज मिल सकता है जिसके लिए आप बहुत उत्सुक थे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सामान्य रहेगा। कुछ मामलों में मेहनत ज़्यादा रहेगी और नतीजा कम मिलेगा। आज आप शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर सकते हैं। ऑफिस में कोई नया काम भी सामने आ सकता है। आज आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग के लिए सफलता भरा दिन है। माता पिता के आशीर्वाद से सारे काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपका खुशियों से भरा रहेगा। सोचे हुए काम खुद के दम पर पूरे कर सकते हैं। कई मामलों पर आपके पास कुछ नए और अच्छे विचार होंगे। अपनी वाणी से आप सभी काम पूरे करवा लेंगे। आज न्याय संगत बातें करेंगे, पुरानी मेहनत रंग लाएगी। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। संगीत से रिलेटेड संस्था में एडमिशन लेने के लिए आज का दिन शुभ है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन कुछ खट्टा मीठा बीतेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। आज आपके गुड एक्टिविटी की वजह से टीचर्स आपसे खुश रहेंगे। स्वास्थ्य आज पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। आज किस्मत आपके साथ है। किसी बुजुर्ग की राय आपके टूटते रिश्ते को संवार देगी। कोई जोखिम भरा काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें सफल होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पैसों के बारे में बहुत समझदारी से फैसले करने होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज किए गए कामों का फायदा भी मिलेगा। समय आपके फेवर में होने के कारण मन खुश रहेगा। ज्यादा मेहनत करके थोड़ा लाभ भी मिल सकता है। आज बहसबाजी से बचें, व्यर्थ में किसी पंगे में पड़ सकते हैं। नौकरी या बिजनेस के में फायदे के
एक से अधिक मौके मिल सकते हैं। कामकाज की गति तेज होगी। छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, साथ ही परीक्षा में सफलता कदम चूमेगी। आप वीजा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज आपको वीजा मिल जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज भाग्य आपका साथ देगा। बिजनेस के सिलसिले में आज विदेश यात्रा करनी पड़ेगी, घूमने फिरने और मनोरंजन में समय बीतेगा। दूसरों की मदद करने से पीछे न हटें। छोटे भाई बहनों की ओर से आपको सुखद समाचार मिल सकते हैं। उनके साथ आपके संबंधों में भी मधुरता आएगी। परिवार के साथ समय बिताएंगे तो मानसिक तनाव दूर होगा। किसी भी चीज़ में निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज किसी धार्मिक कार्य में सहयोग करने से नौकरी में तरक्की होगी। ऑफिस में हर काम बारीकी से निपटाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्षेत्र में जो भी रुकावटें आएंगी उनसे कुछ सीख सकते हैं। बिजनेस में फायदा होगा। साथ वाले लोगों या दोस्तों से कुछ गिफ्ट मिल सकता है। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। कारोबार में चल रहे प्रयास सफल होंगे। जमीन जायदाद के मामले में लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज जिस काम को आप शुरू करेंगे उसे पूरा करके ही राहत की सांस लेंगे। किसी काम को पूरा करने के लिए शॉर्टकट अपनाने से बचें। निश्चित ही काम थोड़े विलंब से ही लेकिन पूरे हो जाएंगे। इस राशि के बिजनेसमैन को आज एक्स्ट्रा इनाम मिल सकता है। आज आपको ट्रैफिक नियमों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए बाहर निकलते समय अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना ना भूलें। आज के लिए आपका लकी कलर है डार्क ग्रीन और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज के दिन किसी काम को करने में जल्दबाजी न करें तो ऑफिस के जिस काम को पूरा करना चाहेंगे वो सकारात्मक तरीके से पूरे होंगे। ऑफिस में कोई सहकर्मी काम निकलवाने के लिए प्रलोभन दे सकता है, इससे आपके इमेज पर बैड इफेक्ट पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आज किसी के बहकावे में ना आए और अपने कार्य के प्रति सतर्क रहें। विवाह के शुभ समाचार आज कोई रिश्तेदार घर लेकर आ सकता है, जिससे आपके परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन येलो और लकी नंबर है 6। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि अब से रोज हम सुशांत सिंह राजपूत के स्वर्गवास पर चर्चा करेंगे, तो अभी थोड़ी ही देर में हम इस बात के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के रहस्य का पुलिस ने अनावरण कर लिया है। जल्दी ही इसकी चर्चा करेंगे। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जरूरतमंद को भोजन कराए, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में एक नया LED बल्ब लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा, पूरा दिन परिवार के साथ बिताएंगे। मूलांक 2, आपके बेहतरीन विचारों को सुनने और जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहेंगे। मूलांक 3, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, पढ़ाई में आपका मन खूब लगेगा। मूलांक 4, किसी पर भी अपना अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखिए, ये आपके बीच दरार डाल सकती है। मूलांक 5, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो आप आज खरीद सकते हैं। मूलांक 6, आज आप ऑफिस टाइम से पहुंच जाए नहीं तो बॉस की डांट खानी पड़ सकती है। मूलांक 7, संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी शो में गाना गाने का मौका मिलेगा। मूलांक 8, जीवन साथी से कोई कीमती उपहार मिलेगा जिससे आप उनके प्रति बहुत खुश होंगे। मूलांक 9, अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे अन्य चीज़ों के उपहार में मिलने या किसी को उपहार में देने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप किसी शुभ प्रसंग में किसी कार्यक्रम में हाथी का जोड़ा गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है। आप सोने चांदी या लकड़ी का हाथी या अन्य लकड़ी से बनी कोई चीज़ गिफ्ट में दे सकते हैं। अगर आप किसी को उपहार के रूप में चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट में देते हैं या आपको कोई चीज़ गिफ्ट के रूप में मिलती है तो बहुत ही मंगलमय माना जाता है, और अगर वो चांदी का सिक्का हो तो और भी अच्छा माना जाता है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आप आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। इन सब के अलावा किसी को फूल गिफ्ट में देना भी शुभ होता है। फूल प्यार और सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं,
इसलिए किसी को फूल देने या किसी से पाने पर आपसी प्यार बढ़ता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, इसके पहले कि हम दिन तिथि मुहूर्त की चर्चा करें, हमसे बात कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की बात। जिस दिन, योग, घड़ी, तिथि में ये स्वर्गवास हुआ है, उसको देखते हुए नीच का गुरु वक्री, शनि देव वक्री, गुरु और शनि एक साथ, राहु मिथुन राशि में स्थानाधिपति के साथ, जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसके मद्देनजर भले ही झलक दिख गई हो, लेकिन अन्वेषक एजेंसियां अभी तक उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई हैं जिन लोगों को इस स्वर्गवास का जिम्मेदार समझा जा सकता है। आपको ये बता दूं कि 13 सितंबर के बाद जब बृहस्पति देव मार्गी होंगे तब इस रहस्य का अनावरण होने की संभावना बनेगी, और उससे भी ज़्यादा संभावना बनेगी जब 20 नवंबर के बाद ग्रहों की स्थिति और भी बदलेगी। 23 सितंबर को जब राहु अब मिथुन राशि छोड़ेगा उससे भी स्थितियां बदलेंगी, और दिसंबर के बाद जाकर इसमें पॉजिटिव सुधार होंगे। और ये जो इस समय आप बहुत शोर शराबा सुन रहे हैं, ये शोर शराबा 13 सितंबर के बाद कुछ थमने लगेगा। वजह यह है कि बहुत से तथ्य सामने आने लगेंगे, और बहुत सी चीजें जो तथ्य नहीं है और जिनको तथ्य समझा जा रहा है वो साफ हो जाएंगी, और जो तथ्य है जो वो सामने आने लगेंगे, पब्लिक की क्यूरियसिटी शांत होगी, और राष्ट्र के और जो देश की स्थिति है, देखिए जो वृषभ लग्न है उस हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, भारत के विवेक स्थान पर विवेक का स्वामी गोचर कर रहा है, आप देश का विवेक जगेगा और देश राष्ट्र जो है उसका ध्यान देश की जीडीपी पर लगने लगेगा, चीजें बेहतर होंगी और इस सिलसिले में भी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जल्दी ही हम अपने अगले शो में और जनपत्रियां भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल चर्चा करेंगे आज अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, गुरुवार का दिन है, अष्टमी तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:35 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि बीते 2 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो चुके हैं जो कि 17 सितंबर को समाप्त होंगे। चूंकि श्राद्ध कार्य दोपहर के समय किए जाते हैं और आज दोपहर के समय अष्टमी तिथि रहेगी, अतः आज उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण समृद्धियों की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा अष्टमी श्राद्ध की, और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की। आज शाम 6:36 तक वज्र योग रहेगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर। इस योग में वाहन आदि नहीं खरीदे जाते हैं, इस योग में कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा आज दोपहर 1:39 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृक्षा नक्षत्र लग जाएगा। 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है, इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। आज के दिन जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये थी वज्र योग रोहिणी नक्षत्र की बात। अब बात करेंगे आज के दिन की महत्वपूर्ण चर्चा। आज कालाष्टमी है और हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। भैरव के 3 रूप हैं, काल भैरव, बटुक भैरव और रुरु भैरव। आज भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और मनचाही मुरादें पूरी होंगी। साथ ही आज जीवित पुत्र का व्रत है और इसे जीवतिया के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी मंगल कामना के लिए करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। तो ये थी कालाष्टमी, जीवित पुत्र का व्रत, श्राद्ध से जुड़ी चर्चा। अब बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत की। आपको ध्यान दिला दूं कि माता महालक्ष्मी व्रत 26 अगस्त से शुरू हुए थे और आज शाम के समय देवी माँ के पूजन के समय महालक्ष्मी व्रत संपूर्ण होगा। आज हम आपको महालक्ष्मी व्रत की पूरी समापन विधि बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा महालक्ष्मी व्रत की समापन विधि के बारे में। पहले तो ये जान लीजिए कि आज शाम को पूजा के समय आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पूजा के लिए 2 सूप, 16 मिट्टी के दिए, प्रसाद के लिए सफ़ेद बर्फी,
फूल माला, तारों को अर्घ देने के लिए यथेष्ट जैसा चाहिए वैसा पात्र, 16 गांठ वाला लाल धागा और 16 चीजें। हर चीज 16 की गिनती में होनी चाहिए, जैसे 16 लौंग, 16 इलायची या 16 सुहाग के सामान आदि। और अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। शाम को पूजा के लिए सबसे पहले अपने हाथ में वही 16 गांठों वाला लाल धागा बांध दीजिए जो आपने व्रत के पहले दिन बांधा था। फिर माता महालक्ष्मी के आगे 16 देसी घी के दीपक जलाइए और धूप दीप से देवी माँ की पूजा करें, साथ ही फूल चढ़ाइए। लेकिन ध्यान रहे, देवी माँ को कभी भी हर श्रृंगार का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, हर श्रृंगार का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर एक सूप में 16 चीज़ें रखकर, 16-16 की संख्या में रखकर उसे दूसरे सूप से ढक दें और उसे माता के निमित्त दान करने का संकल्प करें। संकल्प के लिए ये मंत्र पढ़ें, क्षीरो धारण सम्भूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा, हे चंद्रमा की सगी बहन लक्ष्मी, आप समुद्र क्षीरो धारण सम्भूता समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, हे क्षीर सागर से उत्पन्न चंद्रमा की सगी बहन माता महालक्ष्मी, मैं ये सब कुछ आपके निमित्त दान कर रहा हूँ। इस प्रकार संकल्प लेकर उस सूप को वहीं रखकर रहने दें। हो गया दान कदम। अब दीपक में ज्योति जलाकर दीपो ज्योति नमोस्तुते महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। जप के बाद माता महालक्ष्मी की आरती कीजिए और उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए। इस प्रकार पूजा के बाद तारों को जल से अर्घ दीजिए और आरती कीजिए। इसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी का हाथ पकड़कर, अन्यथा स्वयं ही 3 बार उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारिए, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। इसके बाद जो व्रती हैं वो अपने लिए और माता महालक्ष्मी के लिए अलग अलग थाली में भोजन निकालिए। अगर आप विवाहित हैं और आपने पति पत्नी दोनों ने व्रत किया है तो देवी माँ और अपने साथ साथ अपने जीवन साथी के लिए भी थाली में भोजन निकालिए। संभव हो तो माता महालक्ष्मी के लिए चांदी की थाली में भोजन लगाइए। देखो, प्रेम से जो लगाओगे वही चांदी है वही सोना, आपके पास जो उसको प्रेम से लगाइए। माता आपको इतना देंगी कि आप चांदी की थाल लें, चांदी के थाल में भोजन लगाने लगोगे। तो भोजन करने के बाद अपनी थालियां उठा लीजिए, लेकिन माता की थाली को किसी दूसरी थाली से ढककर वहीं पर रखकर छोड़ दें। अगले दिन सुबह माता की थाली को का भोजन गाय को खिला दीजिए और सूप में रखा हुआ दान का सामान किसी लक्ष्मी मंदिर में दान कर दें। इसके अलावा 16 गांठ वाले धागे को अपनी तिजोरी में लपेट कर संभाल कर रख लें। तो ये थी चर्चा महालक्ष्मी व्रत की समापन विधि की, और अब चर्चा करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप माता महालक्ष्मी की कृपा से अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज उत्तर दिशा की ओर मुख करके कनक धारा स्तोत्र पढ़ते हुए दूध की धारा से माता महालक्ष्मी का अभिषेक कीजिए। यदि आपको कनक धारा स्तोत्र न याद हो तो आपके पास उसे पढ़ने के लिए पुस्तक भी ना हो, आप ऑडियो बजा लीजिए। बाद में उस थाली के दूध को तुलसी के पौधे में अगले दिन डाल दीजिए। ये उपाय करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को अपार धन संपदा प्राप्त होती। अगर आप दिमागी मेहनत वाले काम करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, तो अपने कामों में सफलता पाने के लिए आज देवी माँ को कमल का फूल या कोई अन्य पुष्प चढ़ाइए। अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज के दिन आप देवी माँ को तेजपत्ता चढ़ाइए, साथ ही देवी माँ को कत्थायुक्त पान का भोग लगाइए। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले कुछ खास उपायों की, और अब बात करेंगे आपको अपनी राशि के अनुसार किस चीज से हवन करना चाहिए। मेष राशि वालों, माँ की कृपा पाने के लिए आज मधु घी और शक्कर से युक्त बेल के फलों से हवन कीजिए। वृष राशि वालों, माता का आशीर्वाद पाने के लिए आज कमल के सूखे फूलों को जल में भिगोकर हवन कीजिए। मिथुन राशि वालों, माँ की कृपा पाने के लिए आज आप चावल से हवन कीजिए। कर्क राशि वालों, माता का हाथ अपने सिर पर बनाए रखने के लिए आज घी में दूर्वा भिगोकर हवन कीजिए। सिंह राशि वालों, माता का आशीर्वाद पाने के लिए आज घी में कमल गट्टा डुबोकर हवन कीजिए। कन्या राशि वालों, आप वो बहुत जोर से पटाख से फूटता भी है तो आप थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा वरना वो चटकेगा। कन्या राशि वालों, माँ की कृपा पाने के लिए आज घी में गिलोय डुबोकर हवन कीजिए। तुला राशि वालों, माता की कृपा पाने के लिए नंद्यावत के पुष्पों, पीली सरसों और लक्ष्मी वल्ली जिसे मेष श्रृंगी भी कहते हैं उससे हवन कीजिए। अगर सारी चीज़ें न मिलें
तो इनमें से जो भी चीजें मिले उनसे हवन कीजिए। वृश्चिक राशि वालों, जीवन में खुशहाली पाने के लिए आज काली मिर्च, जीरा और सूखे नारियल की गिरी से युक्त गुड़ और घी में पके हुए पुओ का हवन कीजिए। पुआ। धनु राशि वालों, देवी माँ का आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आज गुड़ मिश्रित जौ, तिल और चावल से हवन कीजिए। मकर राशि वालों, माता की कृपा पाने के लिए आज काले तिल से हवन कीजिए। कुंभ राशि वालों, माँ की कृपा पाने के लिए, अपने जीवन को समृद्ध बनाए रखने के लिए आज चावल की खीर से हवन कीजिए। और मीन राशि वालों, माता का आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आज सूखे नारियल की गिरी में घी मिलाकर हवन कीजिए। तो ये सारी चर्चा थी महालक्ष्मी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस खास चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे पवित्र पुष्कर तीर्थ। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थापित पुष्कर तीर्थ को पुष्कर राज भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। यहाँ ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। कहा जाता है कि नारद जी के श्राप के कारण कहीं भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। कुछ लोग नारद जी कहते और कुछ लोग दक्ष प्रजापति कहते। वही केवल वही एक वर्ष में एक बार उनकी पूजा होती है। मंदिर में चतुर्मुखी ब्रह्मा की मूर्ति की एक तरफ गायत्री और एक तरफ सरस्वती की मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ पर एक विशाल सरोवर है जिसके किनारे पितरों के निमित्त पिंडदान करने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि यहाँ पितरों का पिंडदान करने से पितर तृप्त होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र पुष्कर तीर्थ के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 सितंबर को शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीजों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। अष्टमी तिथि आज रात 3:35 तक रहेगी। उसके बाद कल पूरे दिन नौमी तिथि लग जाएगी जो अगली भोर 4:20 तक रहेगी। नौमी तिथि में लौकी नहीं खाना चाहिए, लिहाजा आज नारियल और कल लौकी नहीं खानी है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल की शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हनन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठठ एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज अपने दोनों हाथों को निहारे, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और उससे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।